पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव में ताल ठोक दी है। शैलजा ने पिछले 3 दिन के दौरान अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा हलकों में कांग्रेस वर्करों की मीटिंग लेकर यह ऐलान कर दिया है कि वे उपचुनाव के दंगल में उतरने जा रही हैं। कांग्रेस और कुमारी शैलजा दोनों के लिए ही अम्बाला का उपचुनाव बेहद इम्पोर्टेंट है। कुमारी शैलजा इस समय न तो राज्यसभा की मेंबर हैं और न ही लोकसभा की सदस्य हैं। पिछले साल उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था। कुमारी शैलजा उपचुनाव के जरिए एक बार फिर से दोबारा सियासी एंट्री मारने जा रही हैं। कुमारी शैलजा ने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र का पूरा जायजा लेने के बाद उपचुनाव में उतरने का फैसला लिया है। अम्बाला लोकसभा के पिछले चुनावी दंगल में कुमारी शैलजा चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार बदले हुए माहौल के बीच कुमारी शैलजा जीत के इरादे लेकर मैदान में उतर रही हैं। आपको बता दें, अम्बाला लोकसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के चलते हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस सीट को खाली घोषित कर दिया है और अगले 1 से 1.5 महीने के दौरान अम्बाला लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुमारी शैलजा इस बार जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नजर आ रही हैं। अम्बाला लोकसभा में जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े आराम से बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी, वहीं उनके चंद महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी टक्कर देते हुए 9 में से विधानसभा की 4 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को हैरान कर दिया था। अम्बाला लोकसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस इसी तरह से सरप्राइजिंग परिणाम लाते हुए इस चुनावी जंग को जीतने के तैयारी कर चुकी है। कुमारी शैलजा का अम्बाला सीट के उपचुनाव में उतरना बड़े सियासी मायने रखता है। कांग्रेस के पास कुमारी शैलजा से बड़ा कोई चेहरा इस सीट पर नहीं है। कुमारी शैलजा की अपनी सीट है क्योंकि वहां से वो 2 बार पहले भी सांसद रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा इस चुनावी दंगल के जरिए यह साबित करना चाहती हैं कि वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं। कुमारी शैलजा ने पूरे प्रदेश के अपने समर्थक नेताओं की ड्यूटियां भी उपचुनाव को लेकर लगा दी हैं। जिस दिन भी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा, उसी दिन सारे नेता अपने अपने इलाकों की ड्यूटियों पर पहुंच जाएंगे। कुमारी शैलजा ने काफ़ी सोच समझकर इस उपचुनाव के दंगल में उतरने का फैसला लिया है। कुमारी शैलजा जानती हैं कि अगर वो इस उपचुनाव को जीत गई तो जहां कांग्रेस हाईकमान के पास उनका रसूख पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वे प्रदेश के दमदार नेताओं में अपना नाम बरकरार रखने में सफल हो जाएंगी। कुमारी शैलजा के लिए अम्बाला का उपचुनाव आर या पार का माहौल लेकर आ रहा है। वो जानती हैं कि इन हालात में वो हार का रिस्क नहीं ले सकती हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वे जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कुमारी शैलजा ने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र का पूरा जायजा लेने के बाद चुनावी जंग में उतरने का मन बनाया है। वैसे भी अम्बाला के हालात बता रहे हैं कि इस बार जहां बीजेपी के लिए वहां जीत के लिए मुश्किल हालात हैं, वहीं कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जीत के बेहतर अवसर मौजूद हैं। कुमारी शैलजा अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों से बखूबी वाकिफ हैं। वे चप्पे चप्पे के माहौल और मिजाज को जानती हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अम्बाला क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस वर्करों की मीटिंग लेकर यह साफ कर दिया है कि चुनावी दंगल में उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई संशय नहीं है और कांग्रेस नेताओं और वर्करों को एकजुट होकर इस चुनावी दंगल को जीतना होगा। इस बार कुमारी शैलजा के लिए बेहतरीन अवसर इसलिए भी हैं क्योंकि 4 कांग्रेस विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन भी उनके साथ खड़े हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 9 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में अभी से कांग्रेस की बड़ी लीड के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट पर ही संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के 7 विधानसभा क्षेत्रों की लीड कांग्रेस की जीत को आसान बताती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जीत का दावा और भी मजबूत हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन का ऐलान भी हो जाएगा। कुमारी शैलजा इस जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधना चाहती हैं। वो इस जीत के जरिए बड़ा सियासी मैसेज भी
प्रदेश में देना चाहती हैं। कांग्रेस के पास कुमारी शैलजा से बेहतर और कोई दूसरा प्रत्याशी भी नहीं है, इसलिए कुमारी शैलजा ने अपने ही लोकसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव के दंगल में उतरकर रिस्क तो जरूर लिया है, लेकिन जीत के बेहतर अवसर नजर आने के चलते वो बिना कहे ही, बिना हाईकमान के ऐलान के ही वे चुनावी दंगल में उतर गई हैं, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि इस बार अंबाला लोकसभा क्षेत्र के वोटरों का मिजाज बदला हुआ है और बदले हुए मिजाज में कांग्रेस की जीत के अवसर 2019 की तुलना में कई गुना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। प्रदेश में 9 साल की बीजेपी सरकार के चलते वोटरों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी का फायदा उठाकर कुमारी शैलजा अपनी सीट पर दोबारा से जीत का परचम फहराना चाहती हैं। वो सभी नेताओं और वर्करों के साथ लेकर पहले ही ऐलान कर गई हैं कि वे इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। कांग्रेस अगर अंबाला का उपचुनाव जीतगी तो हरियाणा की सियासत में वो बड़ा धमाका होगा और बीजेपी के लिए वो भारी नुकसान साबित होगा। बीजेपी पिछली 2 बार से लगातार अंबाला लोकसभा सीट को जीतती आई है और वो तीसरी बार भी इस सीट को जीतने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन इसके बीच में ही सांसद रतनलाल कटारिया का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया और इसी के चलते उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस इस उपचुनाव को अपने के लिए बेहतरीन अवसर मान रही है और कुमारी शैलजा पिछली हार का बदला लेकर दोबारा जीत के ट्रैक पर अपनी सियासत को लाने की प्लानिंग को अमली जमा पहना चुकी हैं। कुमारी शैलजा बखूबी जानती हैं इस उपचुनाव के दंगल को जीतकर वे मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में वापसी कर सकती हैं और कांग्रेस के नेशनल लेवल के बड़े नेताओं में अपना नाम फिर से शुमार कर सकती हैं। इसलिए कुमारी शैलजा ने बेझिझक होकर उपचुनाव के दंगल में उतरने का फैसला ले लिया है। अंबाला लोकसभा के उपचुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।